नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बेतिया बिहार ब्यूरो रिपोर्ट। ग्राम पंचायत राज भैरोगंज के सवा किड़ विकास के लिए मुखिया मुन्ना दास द्वारा विकास योजनाओं को धरातल पर ला दिया है। क्षेत्र में विकास कार्य होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। दास मुखिया प्रतिनिधि, आपका पंचायत में कितना अभी तक काम हो चुका है? हमारा पंचायत ग्राम पंचायत राज भैरोगंज है, ऐसे तमाम चौतराएं बन चुकी है, कुआं मरम्मती कार्य हो चुका है, LSD के तहत 2 शौचालय का निर्माण हो चुका है, नालियां बन चुकी है 2,500 फीट तक, 1,000 से के आसपास सड़कें बन चुकी है पक्की, सामुदायिक भवन का मरम्मती हो चुका है, उसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र है उसका भी मरम्मती हो चुका है। जो भी विकास हम लोग को दिख रहा है हम लोग कर रहे हैं। हम लोग विकास के लिए चुने गए हैं और पब्लिक को हम लोग विकास दे रहे हैं। इसके बाद हमारे सरकार पंचायत भवन है जहां हम लोग उसको रिपेयरिंग कर चुस्त दुरुस्त करवा करके हम लोग अपना वहीं पे कचहरी चलाएंगे। उस पर हम लोग लगे हुए हैं और हमको लगता है कि जल्द इसे हम लोग पूरा कर लेंगे। अभी एक आपका कुछ दिन पहले एक पुल था जो टूटा हुआ था, अब आवागमन के लिए थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, तो अभी पुल का निर्माण हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, हम लोगों ने हम और हमारे यहाँ की जो ग्रामीण पब्लिक है और मीडिया के सहयोग से हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाया, धरना प्रदर्शन किया, गवर्नमेंट ने हमारी सुनी और हमारे पुल का निर्माण कार्य चालू हो रहा है, हो गया है। साथ साथ हमारे यहाँ एक छठ घाट का भी सुंदर स्वस्थ निर्माण कराया गया है जिस पर काम जारी है और चल भी रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।